जिनके पेरेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ रियलिटी शो ही एक उम्मीद रह गई है फेम के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि साल में फिल्में कितनी बनती हैं, हर इंसान को गाना मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रियलिटी शो के जरिए फेस वैल्यू बढ़ जाती है, शोज मिलने लगते हैं आपको, कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग तो शुरू हो ही जाती है, तो उसके बाद में फिर मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है। और रही बात प्लेबैक सिंगिंग की, प्लेबैक सिंगिंग में कभी भी लक फैक्टर भी होता है, टैलेंट तो है ही, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं गाना नहीं, लेकिन कभी लक बाय चांस होता है, तो वो अगर आपका अच्छा है और सही चीज़ें सब करेक्ट जुड़ गई तो वो भी मिलता है फिर आपको, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुरुआत होता है। तो आज के डेट में तो कई सारी चीज़ें ऐसी वायरल हो जाती हैं जो होनी भी नहीं चाहिए वो भी वायरल हो जाती है, ऐसे तौर पे तो जाहिर सी बात है सर, आपको भी कई बार क्या होता है कि ना कई लोगों को कुछ ना कुछ नया साउंड चाहिए, नया टेक्सचर चाहिए, नया सब चीज़ें चाहिए, और पेशेंस नहीं है लोगों के पास, इमीडिएटली लोगों को चेंज चाहिए, तो इसलिए लोग है ना कुछ नया करते रहते हैं, खोज में लगे रहते हैं कि ना क्या नया कर सकते हैं, हम भी इसी खोज में लगे रहते हैं कि ना एक चीज़ से थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं उसको चेंज करें, टेक्सचर चेंज करें, एक्सप्रेशन चेंज करें, सिंगिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, तो जो चेंज है वो जिंदगी का नियम है, और सवाल उसके साथ में चलना चाहते हैं, और जो उसके साथ चलता है वो ही चलता है। तड़का लगा, तड़का लगा, तड़का लगा। Sounds good.